हमारे देश में ऐसे ऐसे पराक्रमी राजा हुए हैं जिन्होंने केवल भारत के ऊपर नहीं, भारत से बाहर जाकर अफगानिस्तान तक, लद्दाख तक भारत की सीमाओं का विस्तार किया है और वहां पर भी अपना सुशासन स्थापित किया है। आज हम बात कर रहे हैं महाराजा रणजीत सिंह की। बालाकोट का नाम आपने सुना होगा, जैशे मोहम्मद का नाम आपने सुना होगा। जैशे मोहम्मद जो आतंकवादी संगठन है भारत में, जो सैनिकों के ऊपर हमला करता है, उस संगठन के ऊपर अभी कार्रवाई करने के लिए बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की गई। ये सर्जिकल स्ट्राइक तो अभी अजीत डोभाल जी ने, माननीय मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की अनुमति से हमारी सेना ने की, लेकिन आज से 160 साल पहले भी एक सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट में की गई थी। उस सर्जिकल स्ट्राइक में एक बहादुर हिंदू राजा ने जब देखा कि बालाकोट में उस समय जिहादियों का अड्डा बन चुका है, वो लोग लोगों का जबरदस्ती तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन करते हैं, तलवार के बल पर लोगों की बहन बेटियों को उठा लेते हैं, हत्या करते हैं, तो उस समय महाराजा रणजीत सिंह जो पंजाब के एक छोटे से सूबे के सूबेदार होते थे, राजा होते थे, उन्होंने संकल्प लिया कि मैं बालाकोट को मुक्त करवाऊंगा, वहां पर अत्याचार का विरोध करूंगा। तो 160 साल पहले महाराजा रणजीत सिंह ने बालाकोट में जिहादियों के गढ़ को तोड़ा था। उनसे लड़ने की कोई सामान्य व्यक्ति हिम्मत नहीं कर पाता था, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी सेना के साथ वहां पर हमला किया, जिहादियों को हराया और वहां पर अपना शासन स्थापित किया। महाराजा रणजीत सिंह, आम व्यक्तियों की बात छोड़ दीजिए, उन्होंने केवल नाम सुना हो सकता है कि ऐसे कोई राजा रहे हैं, किस काल में रहे हैं, उनकी उपलब्धियां क्या थी, अंग्रेज उनसे कैसे डरते थे, कहां कहां तक उन्होंने शासन पहुंचाया, इसकी जानकारी हमें नहीं बताई जाती। हमें यह तो बताया जाता है कि हमारे देश में बाबर आया, अकबर आया, उन्होंने शासन किया, उन्होंने हमला किया, मोहम्मद गजनी आया, एकब आया, चंगेज खां आया, ये सब आए, इनके बारे में बताया जाता है, लेकिन हमारे पूर्वज कहाँ तक गए ये नहीं बताया जाता। तो एक नाम आपने सुना होगा हरी सिंह नलवा का। हरी सिंह नलवा पेशावर में, अफगानिस्तान में अभी भी कोई हरी सिंह नलवा का जब नाम लेता है तो वहां पर अफगानी लोग डर जाते हैं, मुस्लिम आक्रांता डर जाते हैं। तो वो हरी सिंह नलवा महाराजा रणजीत सिंह का एक सेनापति था, उसके बारे में हम भी बातचीत करेंगे। महाराजा रणजीत सिंह को शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता था। महाराजा रणजीत सिंह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पंजाब को, जो पंजाब उस समय छोटे छोटे टुकड़ों में, मिसलों में बटा हुआ था। मिसल क्या होती थी? जैसे कुछ गांवों को मिलाकर एक रियासत, एक जागीर, एक बना दी जाए और वहां पर जो शक्तिशाली परिवार है वो उसका शासन करे। तो छोटी छोटी मिसल पूरे पंजाब में बनी हुई थी, जो 10 गांव की, 20 गांव की, 50 गांव की, 100 गांव की, ऐसी मिसल थी। तो इन मिसलों में से एक मिसल के स्वामी महाराजा रणजीत सिंह जी के पिताजी थे। महाराजा रणजीत सिंह जी 12 साल के थे तो उनके पिताजी का देहांत हो गया, और देहांत होने के बाद जब वो 13 साल के थे तो उनके ऊपर हसामत खान नाम के एक आक्रमणकारी ने आक्रमण किया। 13 साल के महाराजा रणजीत सिंह ने केवल उस आक्रमण को विफल नहीं किया, बल्कि उस आक्रमण करने वाले आतताही को ही मार दिया था। तो ऐसे महाराजा रणजीत सिंह थे, ऐसे हरी सिंह नलवा थे। हरी सिंह नलवा के बारे में पढ़ाया नहीं जाता। हम चाहते हैं कि आगे एक अध्याय हो तो हरी सिंह नलवा के बारे में हो, कि हमारे पूर्वज कितने वीर थे, जो जब अफगानिस्तान में जाते थे तो अफगानिस्तान में रहने वाले आक्रांता, जो ये मानते थे कि पूरी दुनिया हमसे डरती थी, उनकी सिट्टी पिट्टी दुम हो जाती थी। उनको केवल कोई झूठ ये कह दे कि हरी सिंह नलवा अपनी सेना लेकर आ रहा है तो गांव के गांव खाली हो जाते थे, लोग जंगलों में जाकर छुप जाते थे। तो ऐसे हरी सिंह नलवा महाराजा रणजीत सिंह की सेना में एक सेनापति थे। महाराजा रणजीत सिंह से की सेना का भय, हरी सिंह नलवा का भय अफगानिस्तान में, पेशावर में, काबुल में सबसे अधिक था। महाराजा रणजीत सिंह के समय की अगर यदि हम बात करें तो महाराजा रणजीत सिंह का कौन सा समय है? ये 1780 का समय है। 1780 में उनका जन्म हुआ और जन्म के 13 साल बाद ही, 12 साल बाद ही उनके पिताजी का निधन हो गया, और पिताजी का निधन होने के बाद वो अपनी मिसल के सारे राजकाम को संभालने लग गए। 12 साल के थे तो उन्होंने घुड़सवारी सीखनी शुरू की, उन्होंने अस्त्र शस्त्र चलाना शुरू किया, राजकार्य सीखना शुरू किया। महाराजा रणजीत सिंह खुद अनपढ़ थे, खुद कोई औपचारिक उन्होंने शिक्षा नहीं ली, लेकिन शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। उस समय जो उनका साम्राज्य था, अफगानिस्तान से लेकर पेशावर तक, जम्मू कश्मीर उसके अंदर शामिल था, और उसके अंदर ये जो लेह लद्दाख है ये भी उनको उसके अंदर शामिल था। उन्होंने अपने सेनापति को भेजकर लेह लद्दाख को भी अपने राज्य में मिला लिया था। महाराजा रणजीत सिंह जब तक जीवित रहे, किसी अंग्रेज अधिकारी की हिम्मत नहीं हुई कि वो पंजाब के ऊपर नजर उठाकर देख सके।
महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के सबसे बड़े हीरो थे, पंजाब को एक करने वाले थे, शेरे पंजाब जिनको कहा जाता है। लाहौर का नाम आपने सुना होगा, अभी थोड़े दिन पहले एक खबर आई थी जब धारा 370 हटाई गई तो लाहौर में कुछ लोगों ने महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा तोड़ी थी। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर को बनाया था। आज यदि कोई व्यक्ति कहे कि लाहौर देखने, हिंदुस्तान देखने के लिए जब कोई पुराने जमाने में जब भारत एक था तो आता था, तो जब तक वो लाहौर नहीं देख लेता था तो ऐसा लगता था कि हिंदुस्तान की यात्रा अधूरी रहती है। तो इस लाहौर का निर्माण करने का काम महाराजा रणजीत सिंह जी ने किया था। महाराजा रणजीत सिंह जी ने लाहौर में बिल्डिंग बनवाई, वहां पर बाग बनवाए, वहां पर सड़कें बनवाई। तो पाकिस्तानियों के पास अपना कोई हीरो, कोई आइकन नहीं है जिसका वो नाम ले सकें। वो अपनी कोई मिसाइल बनाते हैं तो उसका नाम गजनी के नाम पर रखते हैं, गोरी के नाम पर रखते हैं। महाराजा रणजीत सिंह पाकिस्तान के लाहौर और लाहौर के आसपास के हिस्से को बनाने वाले हैं। तो कुछ दिन पहले पाकिस्तान में महाराजा रणजीत सिंह की एक मूर्ति बनाई गई थी, मूर्ति लगाई गई थी। वो मूर्ति जो लगाई गई, क्योंकि पाकिस्तान का पाठ्यक्रम ऐसा है, इतिहास ऐसा है जिसमें केवल झूठ पढ़ाया जाता है, सच नाम की कोई चीज उसमें पढ़ाई नहीं जाती। तो उन्होंने वो मूर्ति लगाई। अभी कुछ दिन पहले जब 370 हटाई गई तो उस मूर्ति को कुछ लोगों ने वहां पर तोड़ दिया था। तो महाराजा रणजीत सिंह उस वजह से भी खबरों में थे। महाराजा रणजीत सिंह ऐसे थे जो कट्टर सिख थे, लेकिन कट्टर सिख होते हुए भी वो किसी हिंदू से, मुसलमान से, ईसाई से भेदभाव नहीं करते। उनकी जो सेना थे उसमें सारे लोग उसमें सैनिक के रूप में, सेना नायक के रूप में उनके यहाँ नौकरी करते थे। ऐसा उनका साम्राज्य था कि उनके राज्य में दूसरे राज्य से अपराध करके लोग आते थे और माफी मांग के उनकी सेना में भर्ती हो जाते थे। महाराजा रणजीत सिंह जी ने जैसे ही होश संभाला 1799 में, उस समय उनकी आयु कितनी है, केवल 19 वर्ष की है, 19 वर्ष की आयु में उन्होंने लाहौर के ऊपर, 1805 में 25 वर्ष की आयु में अमृतसर के ऊपर अपना अधिकार कर लिया। जम्मू के राजा गुलाब सिंह के सेनानायक जोरावर सिंह को उन्होंने लद्दाख के ऊपर कब्जा करने के लिए भेजा। महाराजा रणजीत सिंह की जो सेना है उसके बारे में ये कहा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह की सेना में 92,000 पैदल सैनिक थे, 31,000 घुड़सवार थे, 384 भारी और 400 हल्की तोपें थी। महाराजा रणजीत सिंह से पहले केवल तलवार के बल पर लड़ाई होती थी। महाराजा रणजीत सिंह वेश बदलकर दुश्मन देशों की सेना के अंदर जाते थे कि दुश्मन देशों की सेना के पास कैसे हथियार हैं और किस प्रकार से वो अपने सेना का रखरखाव करते हैं। तो उन्होंने अंग्रेजों की सेना में जाकर गुप्त रूप से वहां का निरीक्षण किया और अपनी सेना का भी आधुनिकीकरण किया। महाराजा रणजीत सिंह, ये जो कोहिनूर हीरा है, ये महाराजा रणजीत सिंह के खजाने की शान होती थी। एक ब्रिटिश के इतिहासकार हुए हैं J.T. व्हीलर, वो ये कहते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह यदि एक पीढ़ी पहले होते तो वो पूरे हिंदुस्तान को फतेह कर लेते। एक फ्रांसीसी पर्यटक विक्टर जैकोमोंट महाराजा रणजीत सिंह के समय में आते हैं और जब वो उनकी शासन व्यवस्था को, उनकी युद्ध कला को देखते हैं तो वो उसकी तुलना नेपोलियन से करते हैं। नेपोलियन की सेना में जो सैनिक थे उनको भी भाड़े के ऊपर महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी सेना में रखा हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह की सेना में विदेशी लोग भी उनकी सेना में, उनके शासन में अधिकारी बनने में, नौकरी करने में गर्व महसूस करते थे। उनकी शासन व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि वहां पर जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था। मृत्युदंड देना, ये जो 17वीं-18वीं शताब्दी का काल है इसमें राजा सुप्रीम है, वो जिसको चाहे उसकी तलवार से उसकी गर्दन काट सकता है। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह ऐसे थे जिन्होंने अपने राज्य में मृत्युदंड के ऊपर बैन लगा दिया था। महाराजा रणजीत सिंह ऐसे थे जिन्होंने अपने राज्य में गो हत्या के ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया था। महाराजा रणजीत सिंह ऐसे थे जिन्होंने अपने राज्य में जजिया टैक्स को समाप्त कर दिया था। औरंगजेब ने एक टैक्स लगाया था कि आप या तो मुसलमान बन जाओ, मुसलमान नहीं बनोगे तो आपके ऊपर जजिया टैक्स लगाया जाएगा। इस जजिया टैक्स में यदि आप मस्जिद में नहीं जाएंगे, आप हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, किसी और धर्म के हैं, जैन हैं, पारसी हैं, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा केवल इसलिए क्योंकि आप मुस्लिम धर्म को नहीं मानते। तो उस जजिया टैक्स को उन्होंने सबके लिए खत्म किया था। ऐसे महाराजा रणजीत सिंह थे, वो वेश बदलकर अपनी प्रजा के अंदर घूमते थे। उन्होंने इतना शक्तिशाली, जो छोटी छोटी मिसल थी, पंजाब पूरा अशांत था, कभी अफगानिस्तान से कोई हमलावर आ रहा है वो पंजाब को रोनते हुए जा रहा है, तो उन्होंने उधर से हमलावरों को तो रोका, हमलावरों के ऊपर हमला करके वहां तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर दिया था। वह जब तक जीवित रहे, 27 जून 1839 तक वो जीवित रहे, तब तक किसी भी पठान की और अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई कि वो कभी पंजाब के सूबे के ऊपर नजर डाल सके। एक बार तो ऐसा मौका आया जब लगभग लगभग
कुछ हिस्से को छोड़कर बाकी मध्य हिस्से के ऊपर, पूरे के ऊपर अंग्रेजों का शासन हो गया, तो उस समय केवल महाराजा रणजीत सिंह का राज्य सूबा ऐसा था जहां पर अंग्रेजों का शासन नहीं था। हरि सिंह नलवा की बात करें तो हरि सिंह नलवा के नाम से अफगानी दुश्मन इतने आतंकित थे, महाराजा रणजीत सिंह ने हरि सिंह नलवा को अफगानिस्तान पर आक्रमण करने के लिए भेजा। और महाराजा रणजीत सिंह की तरह महाराजा हरि सिंह नलवा जो सेनापति थे, वीर थे, उन्होंने 14 साल की आयु में ही बाघ को मार दिया था। बाघ मार कहलाए थे। हरि सिंह नलवा का जन्म 1791 में हुआ था और इनके पिताजी भी एक क्षत्रिय थे, एक सरदार परिवार में उनको जन्म हुआ। और इनके भी जब वो 8 साल की उम्र में थे तो इनके पिताजी का देहांत हो गया। इनकी माँ ने बड़े संघर्षों में इनको पाला और 10 साल की उम्र में वो अमृतपान करके सच्चे सिख बन गए। वो जब हरि सिंह नलवा जब महाराजा रणजीत सिंह की सेना में शामिल हुए तो महाराजा रणजीत सिंह की सेना में शामिल होकर वो सेनापति के पद पर पहुंचे। और सेनापति बनने के बाद उनको अफगानिस्तान का चार्ज दिया गया कि वहां पर जाकर आक्रमण करके हमारी सीमाओं की रक्षा करो और वहां उनको बताओ कि भारत अब कमजोर नहीं रह गया है। तो जब हरि सिंह नलवा ने कईयों बार, दसियों बार अफगानिस्तान के अफगानियों को धूल चटाई और हरि सिंह नलवा के नाम से अफगानी सैनिकों के मन में ऐसा भय बैठा हुआ था कि वो हरि सिंह नलवा का सामना करने में घबराते थे कि हरि सिंह नलवा अगर आ रहा है तो हमें लड़ाई नहीं लड़ती, वो मोर्चा छोड़कर भाग जाते थे। हरि सिंह नलवा के बारे में ये कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया की एक वर्ल्ड लेवल की एक मैगजीन है बिलेनियर के नाम से, बिलेनियर ऑस्ट्रेलियनस, इसमें 10 सबसे महान विजेताओं की एक सूची एक बार जारी की गई थी, तो उसमें पहला स्थान हरि सिंह नलवा का था। अमेरिका और अफगानिस्तान का आपने देखा होगा कि बहुत दिन झगड़ा चला ओसामा बिन लादेन के चक्कर में, 9/11 जब हुआ तो अमेरिका और अफगानिस्तान का जो झगड़ा चला, उस अमेरिका और अफगानिस्तान के झगड़े में जब अमेरिकी जनरल अपने सैनिकों में जोश भरने के लिए कि अफगान के लड़ाकों को, आतंकवादियों को हराना है, तो उनको हरि सिंह नलवा के किस्से सुनाते थे। तो ऐसे हरि सिंह नलवा महाराजा रणजीत सिंह की सेना में एक सिपाही थे। महाराजा रणजीत सिंह ने बचपन से ही, 10 साल की उम्र से ही घुड़सवारी करना, तलवारबाजी करना, बंदूक चलाना, अस्त्र शस्त्र सीखना शुरू कर दिया। नन्ही सी उम्र में जब वो 10 साल के थे तो अपने पिताजी महासिंह के साथ वो सैनिक अभियानों में जाते थे और 12 साल के थे तो उनके पिताजी का देहांत हो गया। 13 साल की आयु में उनके ऊपर प्राण घातक हमला हुआ। हमला करने वाला जो हशमत खां था उसी को हरि सिंह, महाराजा रणजीत सिंह ने मौत की नींद में सुला दिया। बचपन में ही उनको चेचक हुई और चेचक होने के कारण उनकी एक आंख चली गई। एक आंख चलने के बाद वो उसको कमजोरी नहीं मानते थे, वो ये कहते थे कि कोई बात नहीं है, एक आंख चली गई इसका मतलब, एक आंख है तो इसका मतलब मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक नज़र से देखूं, ऐसा परमेश्वर चाहता है। और एक आंख होते हुए भी उनकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी थी, उनका व्यक्तित्व इतना अच्छा था, बचपन में जो उन्होंने संघर्ष देखे उन संघर्षों के बल पर रणजीत सिंह नहीं रहे, वो मजबूत फौलाद बन गए। 16 साल की आयु में उनकी शादी हुई। शादी होने के बाद उनकी कई शादियां हुई, कई मिसलों से, कई सूबों से उन्होंने इसलिए शादी की ताकि उनसे पारिवारिक संबंध स्थापित किया जा सके। तो भारत पर एक आक्रमण करने वाला आक्रमणकारी था 1797 के आसपास, जमन शाह दुर्रानी को 17 साल की उम्र में उन्होंने धूल चटाई। महाराजा रणजीत सिंह खुद ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन अपने राज्य में उन्होंने ऐसी कानून और व्यवस्था लागू की थी कि राज्य में शिक्षा को, कला को, साहित्य को पूरा प्रोत्साहन मिले। महाराजा रणजीत सिंह ने 40 साल तक जो शासन किया उस शासन में उन्होंने अपने राज्य को इतना शक्तिशाली बना दिया था कि ना तो अंग्रेजों की और ना अफगानों की, अरब से हमलावर आते थे तो कहाँ से आते थे, अफगानिस्तान के रास्ते से आते थे, तो अफगानिस्तान के रास्ते को पूरी तरह से उन्होंने मजबूत कर दिया और अफगानिस्तान के ऊपर ही कब्जा कर लिया, तो वहां से अरब से जो होने वाले आक्रमण है वो थम गए थे। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य में इतने उदारवादी थे, जब किसी से युद्ध करते थे, युद्ध करने के बाद जब सामने वाला राजा हार भी जाता था तो हार जाने के बाद भी वो कोई ना कोई जागीर उनको दे देते थे ताकि उनके जीवन का निर्वहन हो सके। हरमिंदर साहिब बन चुका है लेकिन हरमिंदर साहिब जो आज गोल्डन टेम्पल के नाम से, स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है, उसका जीर्णोद्धार करवाकर और उसको सोने से मंडवाने का काम राजा हरि सिंह नलवा ने किया, महाराजा रणजीत सिंह ने जी ने किया था। काशी विश्वनाथ का नाम आपने सुना होगा, अहिल्याबाई होलकर जी ने मंदिर को दोबारा बनवाया। काशी विश्वनाथ को 22 मण सोना
22 मण सोना, इसका मतलब लगभग 900 किलो सोना, 900 किलो एक टन सोना, एक टन सोना उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर को दान किया था। आज भी काशी विश्वनाथ मंदिर के ऊपर जो सोने के पत्रे चढ़े हुए हैं वो महाराजा रणजीत सिंह के दान किए हुए हैं। और ये जो कोहिनूर हीरा है, इस कोहिनूर हीरे की भी एक अलग से कहानी है। कोहिनूर हीरा महाराजा रणजीत सिंह के पास था, तो उनकी इच्छा थी कि ये जो कोहिनूर हीरा है इसको जगन्नाथपुरी के मंदिर में चढ़ा दिया जाए। लेकिन इनका जो खजांची था, उस समय अंग्रेजों की नज़र उसके ऊपर पड़ गई और कुछ महाराजा रणजीत सिंह जी की तबीयत खराब होने के कारण वो वहाँ पर मंदिर में नहीं उसको चढ़ा पाए। अंग्रेजों का जो लॉर्ड था वो उन्होंने उस हीरे को कब्जा कर लिया। हीरे को कब्जा करने के बाद अपने आस्तीन में डालकर वो वहाँ पर लेकर गए रानी विक्टोरिया के पास और वहाँ पर उनको उनको भेंट कर दिया था। महाराजा रणजीत सिंह ना तो खुद मांस खाते थे, गोमांस खाते थे, और अपने किसी दरबारी को भी, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, उसको इजाज़त देते थे। महाराजा रणजीत सिंह कैसे न्यायप्रिय थे, कुछ घटनाएं हैं कि महाराजा रणजीत सिंह एक बार जा रहे होते हैं तो कोई औरत उनके पैर छूने के लिए आती है। पैर छूते छूते वो उनके हाथ में जो बर्तन होता है उस बर्तन को महाराजा रणजीत सिंह के चरणों से रगड़ने लगती हैं। जब महाराजा रणजीत सिंह पूछते हैं कि ऐसा क्यों कर रही हो माता, तो वो कहते हैं कि मैंने सुना है पारस पत्थर को अगर छुआएं तो लोहा सोना हो जाता है, आप तो पारस पत्थर की तरह हैं, आपको मैं ये बर्तन छुआऊंगी तो ये सोने हो जाएंगे। तो महाराजा रणजीत सिंह ने उसको सोने के बर्तन देकर विदा किया। एक बार महाराजा रणजीत सिंह की सवारी कहीं जा रही थी, ये कथा भी बहुत प्रचलित है, तो कुछ बच्चे पत्थर मार रहे थे आम के पेड़ के ऊपर। पत्थर जब वो मार रहे थे तो उनमें से एक पत्थर महाराजा रणजीत सिंह की सेना में महाराजा रणजीत सिंह जी को लगा। उनके सेनापति पकड़कर बच्चों को लेकर आए, उन्होंने बताया कि पत्थर क्यों मारते हो, तो उन्होंने कहा कि आम तोड़ने के लिए पत्थर मारते हैं। तो महाराजा रणजीत सिंह ने जब कहा, यह कहा कि जब ये बेजुबान आम जो खुद अपने बल पर रहते हैं, जिनके पास कोई राज्य कोई संसाधन नहीं है, वो जब पत्थर मारने पर फल दे सकते हैं, मीठे फल दे सकते हैं, तो मैं तो राजा हूँ, मुझे मेरा तो फर्ज बनता है कि मैं इनको फल दूँ। तो उन्होंने उन सारे बच्चों को खूब फल देकर, कुछ खुद संपत्ति देकर उनको सम्मानित किया। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, कोई भेदभाव नहीं किया जाता, लेकिन भारतीय संस्कृति को, परंपराओं को अक्षुण रखने के लिए उनका पालन करवाया जाता है और गहराई से पालन करवाया जाता है। और ऐसे राज्य को हमारे जो वामपंथी इतिहासकार हैं वो अच्छा नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वो भारतीय संस्कृति के प्रेरणा थे। तो ऐसे महाराजा रणजीत सिंह के बारे में कभी पढ़ाया नहीं जाता है। आप पाठ्य पुस्तक उठा लीजिए, छठी से लेकर दसवीं तक की मैंने पाठ्य पुस्तक चेक की, तो उसमें कहीं भी महाराजा रणजीत सिंह की, हरि सिंह नलवा की चर्चा भी नहीं है। तो एक बार ऐसे ही एक जुलूस निकल रहा था, पीपल का पेड़ नीचे था, ताजिए निकलते थे, तो वो ताजिए निकलते निकलते ताजिए के मुसलमानों ने यह सोचा कि यहाँ से ताजिया नहीं निकल पाएगा, सड़क के ऊपर पीपल की डाली नीचे है और पीपल को काटेंगे तो हिंदू प्रतिरोध करेंगे। तो वो राजदरबार में गए, राजा रणजीत सिंह जी को जब पता लगा तो उन्होंने कहा कि ना पीपल की डाली काटने की आवश्यकता है, ना ताजिए को कहीं कोई जगह बदलने की आवश्यकता है। उन्होंने पूरी रोड को 2-3 फीट खुदवा दिया, रोड नीचे करवा दी और कहा कि ताजिए का जुलूस यहाँ से अब निकाल लीजिए, क्योंकि पूरी रोड को नीचे करवा दिया गया है। तो ऐसे महाराजा रणजीत सिंह थे। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। लगातार उन्होंने अफगानों के साथ, आक्रांताओं के साथ लगातार उन्होंने संघर्ष किया। लगातार संघर्ष करने के, ये जो पश्तून है, पश्तूनी क्षेत्र है, पश्तून पेशावर है, ये जो पठान है, इनके ऊपर आज तक किसी गैर मुस्लिम ने शासन नहीं किया था। महाराजा रणजीत सिंह अकेले ऐसे शासक थे जिन्होंने पश्तूनों के ऊपर गैर मुस्लिम शासन पहली बार किया था। पेशावर में, जम्मू कश्मीर में, आनंदपुर में उन्होंने अपनी पूरी सेना स्थापित की, अपना प्रशासन स्थापित किया। सिख खालसा, आधुनिक भारतीय सेना गठित करने का श्रेय भी इनको जाता है। इनकी जो सेना है वो इतनी मजबूत थी कि इन्होंने यूरोप के देश के लोगों को अपनी सेना में डिप्यूट किया हुआ था ताकि उनकी सेना किसी भी तरीके से कम नहीं हो सके। उस समय भारतीय राजा बंदूक तलवार के बल पर लड़ाई करते हैं, तो महाराजा रणजीत सिंह ने उस समय तोपों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। महाराजा रणजीत सिंह की अगर हम बात करें तो एक बार एक मुसलमान खुश नवीस था जिसका नाम, उन्होंने एक कुरान बनाई। वो कुरान कैसी थी, जो सोने के पेपर के ऊपर बनी हुई थी, सोने के पत्रे के ऊपर चांदी के पानी से, चांदी की स्याही से उसको लिखा गया था। वो पंजाब में, सिंध में अलग नवाबों के पास, मुसलमानों के पास गया कि इसको खरीद लीजिए। वो जितनी कीमत मांगता था उतनी कीमत कोई देने के लिए तैयार नहीं था। तो महाराजा रणजीत सिंह के सेनापति से मिले। महाराजा रणजीत सिंह के सेनापति उस समय एक मुसलमान होते थे, एक सेनापति। उन्होंने कहा कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। तो महाराजा रणजीत सिंह के पास जब गए, उन्होंने उस कुरान को देखा
तो उस कुरान को देखने के बाद जो कीमत वो मांग रहा था वो कीमत उनको दी। जब उनके दरबार के लोगों ने कहा कि आपने इसके ऊपर बहुत पैसे खर्च कर दिए हैं और ये आपके तो किसी काम की नहीं है क्योंकि आप तो सिख धर्म को मानने वाले हैं, तो महाराजा रणजीत सिंह ने ये कहा कि अल्लाह ईश्वर सब एक ही हैं और मैं सबको एक नजर से देखता हूं क्योंकि मैं राजा हूं। महाराजा रणजीत सिंह लगातार वेश बदलकर अपनी जनता के बीच में जाते रहते थे और वहां से जो चीजें मिलती थी उसके अनुसार अपने राज्य का शासन करवाते थे। कांगड़ा में उन्होंने विजय प्राप्त की, अपने अमरथिन सिंह थापा को भेजा और कांगड़ा को उन्होंने अपने राज्य में मिलाया। मुल्तान के ऊपर विजय प्राप्त की, अटक के ऊपर विजय प्राप्त की, कश्मीर के ऊपर विजय प्राप्त की उन्होंने, डेरा जात पर विजय प्राप्त की, पेशावर पर विजय प्राप्त की, लद्दाख पर उन्होंने विजय प्राप्त की। तो ऐसे महाराजा रणजीत सिंह थे। महाराजा रणजीत सिंह ने ये जो कोहिनूर हीरा है ये उस समय अफगानिस्तान के एक शाह मोहम्मद के पास होता था। उस शाह मोहम्मद को कश्मीर के राजा ने कैद किया हुआ था। कश्मीर के राजा ने जब उसको कैद किया हुआ था तो उस शाह मोहम्मद की पत्नी महाराजा रणजीत सिंह के पास आई। उन्होंने कहा कि यदि मेरे पति को आजाद करवा दोगे तो हम आपको कोहिनूर हीरा दे देंगे। महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर के ऊपर आक्रमण किया। वहां का जो राजा था उस राजा को उन्होंने कश्मीर के सूबेदार को हराया। सूबेदार को हराने के बाद उन्होंने उस अफगानिस्तान के राजा को आजाद करवाया जिसके पास कोहिनूर हीरा था। उसको सहसम्मान उसकी पत्नी के साथ उसको वापस भेजा। वापस भेजने के बाद उस मुसलमान राजा ने मना कर दिया, आनाकानी करने लगा कि मैं तो नहीं दे सकता, आज नहीं तो कल दूंगा। तो उसके बाद उन्होंने जब ज्यादा दबाव महाराजा रणजीत सिंह ने बनाया तो उसने नकली कोहिनूर हीरा दे दिया। कोहिनूर हीरे की जांच करवाई। महाराजा रणजीत सिंह को जब पता लगा कि ये नकली है तो उन्होंने उस राजा के ऊपर चढ़ाई की। राजा के ऊपर चढ़ाई करने के बाद राजा ने पगड़ी में वो हीरा छुपाया हुआ था, वहां से राजा रणजीत सिंह ने वो हीरा लिया, खजाने में जमा किया और ये संकल्प लिया कि इस हीरे को अब पुरी में, जो जगन्नाथपुरी में जो मंदिर है उस जगन्नाथपुरी में मैं चढ़ाऊंगा। लेकिन उस समय उससे पहले ही जो उनके कुछ खजांची थे, कुछ और लोग थे, उनकी नीयत खराब हो गई और कोहिनूर हीरा जैसे ही राजा के महाराजा रणजीत सिंह के पास आए तो उनको लकवा हो गया। उनकी तबीयत खराब होने के बाद अंग्रेज घात लगाकर बैठे हुए थे कि कैसे हम महाराजा रणजीत सिंह के राज्य पर, पंजाब के ऊपर शासन करें, क्योंकि उस समय का जो पंजाब है वो आज का पंजाब नहीं है। आज का पंजाब, आज का हरियाणा, आज का आप उसमें उत्तराखंड भी मिला लीजिए काफ़ी हिस्सा, आज का उसमें आप जम्मू कश्मीर मिला लीजिए और आज का आप लाहौर तक का हिस्सा मिला लीजिए और आज के अफगानिस्तान का पेशावर तक का हिस्सा मिला लीजिए, तो ये सब मिलाकर जितना सूबा होता है वो उनके पास था। तो जब अंत समय में लकवा उनको मारा गया तो अंग्रेजों ने उनके ऊपर आक्रमण किया। उनके पुत्रों ने उसका मुकाबला किया। उनके एक छोटे पुत्र थे महाराजा दिलीप सिंह, उनको अंग्रेजों ने अपने प्रभाव में ले लिया, उनको इंग्लैंड लेकर गए, उनका धर्म परिवर्तन कर दिया। जो महाराजा रणजीत सिंह की रानी महारानी जिंदा पोकोर थी उनको कैद कर लिया गया और ऐसे वो कोहिनूर हीरा जो भारत की शान था वो भारत से होते हुए वो लंदन में चला गया। और लंदन में जो आज कोहिनूर हीरा है, लंदन में मेरा जाना हुआ, लंदन में जो कोहिनूर हीरा जहाँ पर रखा हुआ है, टेम्स नदी के किनारे के ऊपर एक म्यूजियम है, वहाँ पर वो कोहिनूर हीरा रखा हुआ है। और वो जो कोहिनूर हीरा जहाँ पर रखा हुआ है वहाँ पर महारानी विक्टोरिया के अलग अलग ताज रखे हुए हैं। सबसे लास्ट में म्यूजियम को पूरा घूम लेते हैं तो अंदर बहुत हाई सिक्योरिटी के ऊपर, जिसके ऊपर चार चार पाँच पाँच फिट मोटी जिसके बाहर दीवार बनाई हुई है, वहाँ पर भेजा जाता है पूरी तरह तलाशी लेकर। जब भेजते हैं तो कन्वेयर के ऊपर, एक कन्वेयर बेल्ट है उसके ऊपर चलते हैं, जैसे एयरपोर्ट के ऊपर चलते हैं, और कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया के मुकुट में जड़ा हुआ है, उसके सामने से गुजारते हैं। तो जब पिछले वर्ष मुझे लंदन जाने का अवसर मिला और लंदन में जब योग के कार्यक्रम थे तो समय निकालकर कोहिनूर हीरे को देखने के लिए जब हम गए, मैं जब देखने के लिए गया तो उस कोहिनूर हीरे की कन्वेयर बेल्ट के ऊपर मैं चार बार गुजरा। जैसे कन्वेयर बेल्ट है तो वहां से जब देख लिया तो दोबारा वापस आ गया, फिर तीसरी बार वापस आ गया तो वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने देख लिया कि बार बार क्यों आ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो हमने कहा कि ये हमारा है, इंडिया का है ये। और जो आज कोहिनूर हीरा है वो उस समय जो कोहिनूर हीरा था उसका 1/8 हिस्सा है। हम भगवान श्री कृष्ण के समय में एक मणि की बात सुनते हैं ना, कृष्ण के पास एक मणि थी, वो मणि लोग कहते हैं कि यही कोहिनूर हीरा था जो गोलकुंडा की खदानों में पाया गया था और इसका वजन जो आज कोहिनूर हीरा है इससे कम से कम 8 गुना ज़्यादा था। तो ऐसे कोहिनूर हीरे भारत में रहे हैं। रानी विक्टोरिया ने उस कोहिनूर हीरे को दोबारा से तराशा और तराश कर उसको अपने मुकुट में जड़वा कर रखवा लिया। तो आज ऐसे महाराजा रणजीत सिंह को हम नमन करते हैं जिन्होंने पंजाब से लेकर अफगानिस्तान में अपना शासन फैलाया, अफगानिस्तान अफगानियों को बाहर खदेड़ा,
अंग्रेजों की कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसके ऊपर दृष्टि डालें, जिन्होंने आदर्श राज्य कैसा होता है, टीम वर्क कैसा होता है, ये महाराजा रणजीत सिंह ने दिखाया। महाराजा रणजीत सिंह ने अपना सोने का सिंहासन बनाया हुआ था, उस सोने के सिंहासन पर वो कभी बैठते नहीं थे। बैठते कहाँ थे, जहां उनके दरबारी बैठते थे वहीं पर मनसद लगाकर वो बैठते थे, ऐसे महाराजा रणजीत सिंह थे। महाराजा रणजीत सिंह थे राजा, लेकिन अपने आप को राजा नहीं मानते थे, वो कहते थे कि राज्य का मैं एक छोटा सा सिपाही हूं। महाराजा रणजीत सिंह ऐसा मानते थे कि यदि उनकी प्रजा में किसी भी जनता को कोई कष्ट हुआ तो उसका जो पाप लगेगा वो राजा को लगेगा, वो उसको लगेगा। ऐसे आदर्श विचार महाराजा रणजीत सिंह के थे। तो ऐसे महाराजा रणजीत सिंह को हम नमन करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, भारत स्वाभिमान की ओर से उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।